सो वेलकम करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक में। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अभी एक रिव्यू मतलब प्रीव्यू पोस्ट किया था रियलमी वॉच S100 का। ये आने वाली है 10 तारीख को और बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में रियलमी इसको लॉन्च करने वाला है। तो आज हम इसका कंपेरिजन करेंगे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स से और देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा, तो एंड तक टिके रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और गाइस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। और शॉपसी से आप शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपकी परचेज पे कैशबैक मिलता है आपको। और मैं जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फ्लिपकार्ट के वो शॉपसी के थ्रू ही मंगाता हूँ। फ्लिपकार्ट की ही डॉज एप्लीकेशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा जहाँ से आके आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको 50 rupees का ऐसा कैशबैक मिल जाएगा आपको। और साथ में किसी प्रोडक्ट हो या स्मार्ट वॉच हो या नेकबैंड हो या ईयरबड्स हो, कुछ भी आप बाय करते हो, हर एक चीज़ पे आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। तो आप जैसे ही 7 days का रिटर्न पीरियड खत्म हो जाता है आपके प्रोडक्ट पे, आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कैसे अकाउंट बनाना है, वो मैंने सारी की सारा जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और शॉपसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस अमेजिंग कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है डिजो वॉच 2 में बहुत सारे इश्यूज थे, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन इश्यूज आ रहे थे, एक्यूरेसी उतनी खास नहीं थी, बट डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स एक लेके आ चुका है डिजो, जो कि कहीं ना कहीं उसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर रियलमी की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट नो ये किस पर्पज से रियलमी ने लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा सा सेम ही रखा गया डिजो की वॉचेस की तरह ही। 1.69 inches की LCD डिस्प्ले मिलती है, 240x280 pixels का रिजोल्यूशन है, एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स में आपको 240x280 pixels का रिजोल्यूशन मिल जाता है, बट यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। रियलमी में ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया गया। रेस्ट टू एक दोनों में मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है। प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली वो कंपनी ने नहीं बताया, बट यहाँ पे अगर बात करें शार्पनेस की तो 326 pixels per inch की आपको शार्पनेस देखने को मिल जाती है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाली है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी और सनलाइट विजिबिलिटी में या पिक्सल साइज में दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, बेटर परफॉर्म करती हैं यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो और गैलरी में से कोई भी इमेज को ऐसा वॉच फेस आप लगा पाओगे। और लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी देखने को हालांकि मिल जाएगा और अपनी पिक को भी ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो गैलरी में से, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों में ही बेसिक फीचर दिया गया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं, उससे पहले स्पोर्ट्स मोड की बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड आई गेस यहाँ पे 110 हो सकते हैं, क्योंकि रियलमी की वॉचेस में 90 स्पोर्ट्स मोड तो ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाते थे रियलमी वॉच 2 या 2 प्रो में देखें। और तो यहाँ भी रियलमी वॉच S100 में आपको 100 से तो ज़्यादा ही मिलेंगे स्पोर्ट्स मोड्स। और यहाँ पे डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में तो 110 मिल ही जाते हैं, वो तो कंफर्म है। 5 weighting में वाटर प्रूफ की रेटिंग मिलती है स्पोर्ट्स में, एज कम्पेयर टू S100 में आपको IP68 की मिलती है। तो यहाँ पे S100 थोड़ी सी पीछे रह आती है डिजो से, क्योंकि डिजो पूरी प्रॉपरली डीप स्विमिंग के लिए बनी हुई है, पूल स्विमिंग के लिए। इसको आप पहन के आप नहा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट S100 को आप पहन के शावर आवर में ले जा नहीं सकते, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है ये। और एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही बेटर रहेगा, 85% तक एक्यूरेसी मिल जाएगी। सो गाइस मिलता हूं आपसे के लिए रेड एक्शन का और एचआर के लिए ग्रीन एक्शन का डेडिकेटेड सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेंसर्स मेनली बात करूँ तो एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्डनेस सेंसर, जायस्को सेंसर, ये बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको स्पोर्ट्स में मिल जाता है। S100 में कंफर्म नहीं है अभी, मे बी रियलमी ऐड करते बट अभी मैं नहीं कह सकता। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, कॉल कट म्यूट आप कर पाओगे दोनों में ही, ये आपको फीचर मिल जाता है। फुल टच पैनल है, स्मूथ तो है ही डेफिनेटली, जैसा कि बोला गया हाई रिफ्रेश रेट। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिल सकता है, अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ बट 5.0 तो आप मान के चलो, 5.0 या 5.1 के बीच में ही मिलेगा आपको, मतलब इन दोनों में से एक ही मिल सकता है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आई गेस S100 में आपको AIOT कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जो आपको रियलमी वॉचेस में देखने को मिलता है। और एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे रियलमी लिंक एप्लीकेशन से एक पेयर हो जाएगी और एक डिजो से पेयर हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज S100 में डेफिनेटली बेटर काम किया गया है, स्पोर्ट्स से डबल ही मिल जाता है आपको इसमें। और यहाँ पे दोनों में ही कस्टम UI यूज़ किया गया, अपना अपना रियलमी अपना और डिजो का अपना है, और लिस्ट और ग्रेड वाला मेन्यू तो मिल ही जाता है। सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो। हूबहू अगर आप पहनते हो दोनों ही वॉचेस तो सिमिलर ही देखने को लगने वाली है आपको, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा ऑल दो। और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर पाओगे अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो है वो स्पोर्ट्स में 260 mAh है एग्जैक्टली, और S100 में आई गेस यहाँ पे 300 से ऊपर mAh की हो सकती है, क्योंकि रियलमी वॉच 2 प्रो जो थी वो आपको 390 mAh बैटरी के साथ आ रही थी, तो कहीं ना कहीं, और 310 mAh बैटरी के साथ आपकी रियलमी वॉच 2 आई थी, तो S100 भी इसी के आसपास ही होगी। और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेंगी और 20 से 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम भी प्रोवाइड कर देंगी। आगे बात आती है रन टाइम की, तो यहाँ पे 10 दिन का क्लेम किया गया है स्पोर्ट्स में, और एज़ कम्पेयर टू रियलमी वॉच S100 में आपको 12 दिन का क्लेम किया गया है।
अब बात करें मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 5 से 6 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा दोनों ही वॉचेस में। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं, मतलब ऑन कर रखे हैं सब कुछ, तो आपको 4 से 5 दिन का इजली बैटरी बैकअप मिल सकता है अगर आप रफली यूज़ करते हो प्रॉपरली। और मेन फीचर्स की बात आती है तो यहाँ पे HR मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 लेवल स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों में ही, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, एक्यूरेसी बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स के मामले में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में इस बार रियलमी ने थोड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो रियलमी वॉच 2 ले लो या रियलमी वॉच फर्स्ट जनरेशन ले लो या रियलमी वॉच 2 प्रो ले लो, सब में पॉलीकार्बोनेट ग्लॉसी फिनिशिंग का यूज़ किया गया था, ग्लॉसी थोड़ा सा प्रीमियम लुक के लिए। बट ओवरऑल क्वालिटी तो आपको जो एल्युमिनियम की मिलती है वही बेटर होती है, या स्टेनलेस स्टील या मेटल की मिलती है। तो यहाँ पे इस बार रियलमी ने मेटल का यूज़ किया है डायल में, और बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। स्पोर्ट्स पे तो डेफिनेटली है ही है, एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, 20 mm स्ट्रैप साइज है। और वॉच के वेट की बात मैं करूँ तो S100 थोड़ी सी ज़्यादा 6 grams की ज़्यादा पड़ती है आपको, और उसी के साथ साथ सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है दोनों की। तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। अब बात करें यहाँ पे वॉच डायल मेटल का है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है जैसा मैंने आपको बताया दोनों ही वॉचेस में, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेन बात करते हैं प्राइसिंग की, तो स्पोर्ट्स आपकी 199 में लॉन्च हो रही है, ये तो फिक्स है, 8 तारीख को आपको मिलेगी सेल पे ये फ्लिपकार्ट पे। अगर हम बात करें S100 की रियलमी की, तो ये अभी नहीं पता मेरे को फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे आएगी, अमेज़ॉन पे भी आ सकती है, फ्लिपकार्ट पे भी आ सकती है। अभी जितनी डिटेल्स है मैंने आपको दे दी है इस कंपैरिजन में, S100 आपकी हो सकता है 2499 रुपीज़ में आ सकती है एग्जैक्टली, तो इसका प्राइस भी नहीं पता मेरे को, 2500 to 3000 रुपीज़ के अंडर ये देखने को मिल सकती है आपको। तो गाइस यहाँ पे अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वैल्यू फॉर मनी तो स्पोर्ट्स ही रहेगी आपकी डिजो की, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा इंप्रूव किया गया होगा डिजो की तरफ से। S100 की बात में करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि आपको इसमें स्पोर्ट्स में नहीं मिलती हैं। AIoT कंट्रोल देखने को मिल जाएगा S100 में, और यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा सपोर्ट जो है रियलमी का ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू डिजो। डिजो ने 2 ही अपडेट्स दिए थे डिजो वॉच 2 के, उसके बाद तो पता नहीं भूल ही गया डिजो, बट रियलमी कहीं ना कहीं अपडेट्स देती रहती है। मेरे को रियलमी वॉच के बहुत टाइम तक अपडेट्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट्स के मामले में भी ठीक है। तो गाइस ओवरऑल मेरे ख्याल से दोनों ही वॉचेस ठीक है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको लो प्राइस में बाय करनी है, मतलब बजट सेगमेंट में under 2000 के, तो आप स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हो। और गाइस दोनों ही वॉचेस को अगर आप बाय करना चाहते हो तो शॉप से सही करिएगा, क्योंकि आपको अपनी परचेज पे कैशबैक मिलेगा, क्योंकि डिजो वॉच 2 मैंने 1760 में बाय की थी, यस 1760 रुपीज़ में बाय की थी, और उस टाइम क्या था लॉन्च हुई थी 2000 रुपये की, और मैंने अकाउंट बनाया था शॉपसी में, जैसे मैंने आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है जहाँ से आप जाके अकाउंट बना सकते हो, 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। साथ में अगर आप डिजो वॉच को लॉन्च ऑफर पे बुक करते हो तो आपको 175 रुपीज़ का और कैशबैक मिलेगा, तो 175 + 50 220 रुपीज़ का हो गया, तो ओवरऑल आपको वॉच पड़ जाएगी 1780 रुपये की, राइट, तो वैल्यू फॉर मनी ही हो गई। और जैसे ही आपका 7 डेज़ का रिटर्न पीरियड खत्म होता है तो 720 रुपीज़ आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये प्रोसीजर भी है प्रॉपर, उसमें दिया हुआ है मैंने वीडियो में, तो आप देख सकते हो। तो गाइज यही था एक डीप डाउन कंपैरिजन डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स वर्सेस रियलमी वॉच S100 के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग रह जाता है या किसी और वॉच का कंपैरिजन रह जाता है मेरे से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका भी कंपैरिजन लेके आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।